एंड वेलकम टू दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। ये माना जिंदगी है चार दिन की, बहुत होते हैं यारो ये चार दिन। वाह 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 वाह, जी हाँ, एक ही दिन में लाखों करोड़ों पल होते हैं और जीने वाले हर पल में जिंदगी जी लेते हैं। यहाँ पर भी हम आशाओं के कई पल जीते हैं, छोटे से दिल की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। यहाँ अपनी ख्वाहिशें लेकर ख्वाहिशों की खिलाड़ी आती है और हमारे साथ खेलती है आशाओं के चार राउंड और जीतती है 10 लाख रुपए तक की रकम। तो चलिए आज के सफर की पहली खिलाड़ी और उसकी ख्वाहिश पर डालते हैं एक नजर। उसके यूट्रस में कैंसर का डायग्नोसिस हुआ था, तो डॉक्टर ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगर अभी की अभी हमने इसका यूट्रस रिमूव नहीं किया तो ये जिंदा नहीं बचेगी। तो वो टाइम हम लोग के लिए बहुत क्रूशियल था और मुझे ये भी डर लगता था कि मैंने सारा ट्रीटमेंट अपने हिसाब से अपने बेस्ट डॉक्टर के पास शुरू करवाया, लेकिन अगर इसको कुछ हो गया तो मैं इसके घर वालों को क्या जवाब दूंगी। इतना अपना कोई नहीं करेगा जितना ये किए मेरे लिए, यहाँ तक कि भैया ने मेरे को ब्लड भी दिया। भगवान की दया से, इन लोगों की दुआ से मैंने बच गई। मैं यही सोचती मेरी लड़की कहाँ जाए। मालती पिछले 3-4 सालों से बहुत परेशान है क्योंकि नेहा की शादी के लिए रिश्ते तो आते हैं मगर पैसों की कमी की वजह से वो रिश्ते की बातें आगे नहीं बढ़ पाती है। मैंने और मेरे पति ने जगह जगह पे कोशिश की है मालती की मदद करने के लिए और इस गेम शो में मैं इसलिए आना चाहती हूँ ताकि मैं मालती की बेटी नेहा की शादी के लिए पैसे जीत सकूं। किसी की मुस्कुराहट को जब हम अपनी खुशी कहें, दूसरों के दर्द में जब अपनी आंखें नम रखें, जिंदगी जीने की सच्ची परिभाषा लेकर आ रही है मिसेस संगीता सुराना। संगीता जी, हमने देखा है कि आपने मालती जी को अपनी बहन माना है, वी एग्री के वाराणसी आने के बाद उन्होंने आपकी बहुत मदद की है, पर जब भी हमारे घर पे काम करने वाले हमारी मदद करते हैं तो हम उन्हें बोनस देते हैं या फिर कोई गिफ्ट देते हैं, पर उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ पाते। आपने ना सिर्फ उनकी मदद की, उन्हें एक बहन का दर्जा दिया। इतनी खूबसूरत सोच कहाँ से? मुझे नहीं पता, लेकिन जब से वो मेरे यहाँ काम करने लगी तब से मुझे उसके साथ कुछ ऐसी फीलिंग आती थी जैसे वो मेरी बहन ही है, क्योंकि मैं जोधपुर से वाराणसी शादी करके आई तो मुझे लगता था कि मैं उसी से सब कुछ शेयर कर सकती हूँ, सब कुछ मैं उससे बांट सकती हूँ और वो मेरा मन भी बहुत हल्का करती थी, तो उसी से मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा होता चला गया। आज आपके साथ मालती जी की बेटी आई। जी हेलो, क्या नाम है आपका? नेहा नाम है मेरा। आपकी मम्मी से संगीता जी बहुत प्यार करती है? बहुत करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि आपकी शादी का सपना ये अपनी आंखों में बसा लेंगे? जी नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा था। आज की जिंदगी में ऐसा कोई किसी के लिए नहीं सोचता जितना संगीता आंटी ने मेरे लिए और मेरी मम्मी के लिए इतना सोचा। यह आपकी एक और माँ की तरह है? सबकी एक माँ होती है, मेरी तो दो दो माँ है जो इतना केयर करती है मेरी। हाउ स्वीट। जोरदार तालियां संगीता जी के लिए। अब मिलते हैं हमारी अगली खिलाड़ी और उनके ख्वाब से। मेरा नाम प्रिया नीलकंठ गोसावी है। मेरे पापा आर्मी में थे, जब मैं 3 साल की थी तब मेरे पापा ऑन ड्यूटी लद्दाख में एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद 13 साल तक मेरे मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया, छोटे मोटे जॉब्स किए। 13 साल के बाद आर्मी के तरफ से शॉप मिला पर वो रेंट पे था। फिर हम लोग रहते थे, उसका घर का भी रेंट भरना पड़ता था, मेरा एजुकेशन, मेरा मैरिज के लिए भी मम्मी प्रिपेयर करती थी। मेरी मम्मी ने हर चीज़ मेरे लिए किया है कि कभी कुछ भी कमी नहीं हुई है, कभी पापा की याद नहीं आई मुझे। पर आज उसके लिए बहुत फील होता है कि आज वो अकेली रहती है। मेरे दामाद और बेटी के पास रहना मैं अच्छा नहीं समझती, मैं शान से जीना चाहती क्योंकि मेरा हस्बैंड तो एक आर्मी वाला था कि आर्मी वाले के तरह तरीके से मैं जीना चाहती हूँ।
मेरे माँ का गुजारा सिर्फ ये शॉप पे ही है और मम्मी के शॉप पे कोई वर्कर भी नहीं है और इतना भी कैपेसिटी नहीं है कि एक वर्कर रख सके हम। मेरी छोटी सी आशा यही है कि जितने भी पैसे मिलेंगे उतने में से मैं मम्मी का शॉप पूरा रिनोवेट करूँगी, मम्मी के लिए एक वर्कर रख पाऊँगी ताकि मेरी मम्मी को थोड़ा तो रेस्ट मिलेगा। इतना ही मुझे करना है, यही छोटी सी आशा है मेरे लिए। एक माँ अपने बच्चों के लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर देती है। अब अपनी माँ के लिए खुशियाँ चुनने आ रही हैं मिसेस प्रिया गोसावी। प्रिया जी, कभी आपने ऐसा सोचा कि चूंकि पापा आपके फौज में थे उसकी वजह से मम्मी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी कभी बहुत सोचती हूँ कि शायद से पापा हमारे साथ होते तो हमारी दुनिया कुछ और ही होती, हमें किसी बात के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था। फिर खुद ही समझा लेती हूँ कि मम्मी इतना स्ट्रांग बन रही तो मैं क्यों वीक होना चाहिए, इसलिए मैं मम्मी के पास देख के स्ट्रांग हो जाती हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, पापा गए तो देश की सेवा करते करते गए, तो आई फील वेरी मच प्राउड ऑफ देम। प्रिया जी, आप अपनी मम्मी और पति के साथ आई हैं यहाँ पे, नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक है। वो कहते हैं ना कि बेटी माँ की परछाई होती है। हाँ जी हाँ। कितने हद तक आपको लगता है कि प्रिया जी आपकी परछाई हैं, और जैसे हालातों से आपने सामना किया, हाँ, क्या ये भी ऐसे कर सकती हैं? कर सकती, मैं सिखा नहीं ऐसे दिया है उसको कि हारना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, खुद मेहनत करना चाहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। जोरदार तालियां प्रिया और उसके परिवार के लिए। अब मिलते हैं हमारी अगली ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। मेरा नाम ज्योति सतीजा है और मैं एक एनजीओ में एज एचआर मैनेजर काम करती हूँ। मैं एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट भी हूँ। पेंटिंग अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, टाइम का भी और मनी का भी। इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी चाहिए होती है, आपको सोचना होता है, सब्जेक्ट सोचना होता है। मैंने मेहनत तो बहुत ही की है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई है उसमें, क्योंकि एक बिना डिग्री के आर्टिस्ट के लिए अगर कोई प्रोफेशन में जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लोग पेंटिंग के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, जैसे ही पूछते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे ही वो बताते हैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, आई थिंक वहाँ पे हमने बहुत अच्छे क्रिटिक्स, बहुत अच्छे आर्टिस्ट का चेंज ऑफ रिएक्शन देखा है। आर्टिस्ट बनने के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी डिग्री की ज़रूरत होती है, और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ टॉट हैं और जिन्होंने कभी कोई डिग्री नहीं ली है लेकिन तब भी वो एक आर्ट को एज अ प्रोफेशन देखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली मैं उन सेल्फ टॉट आर्टिस्ट के एक कम्यूनिटी क्रिएट करना चाहती हूँ जिनके थ्रू मैं सोशल कॉज को भी प्रमोट कर सकूँ। अगर मैं 5 लाख जीतूंगी तो फिर शायद मैं एक आर्टिस्ट स्टूडियो खोल पाऊंगी और जो कि एक छोटी सी आर्ट गैलरी भी बन सकती है और जिसमें मैं आर्टिस्ट कम्युनिटी भी क्रिएट कर सकती हूं और मैं थोड़ा सा लोन लेकर के जो है फिर मैं उसको गैलरी में कन्वर्ट कर पाऊंगी। अपने एहसासों को ये कागज़ पर उतार देती, अपने ख्वाबों को ये अपने दम पर जीती। प्लीज वेलकम दिल्ली शहर से ज्योति सतीजा। ज्योति जी, हमारे यहाँ आज भी पेंटिंग को एक हॉबी माना जाता है, इसे ख्वाब नहीं कह सकते, पर आपके लिए ना सिर्फ ख्वाब है, एक जरिया है कि अपने हुनर से आप समाज के लिए भी कुछ कर सके। क्या आपको लगता है कि लोग इस बात को मान पाते हैं? ये बहुत ही मुश्किल है कहना, क्योंकि जो एक कलाकार होता है क्या सोचता है और क्या बनाता है कैनवस पर और उसके दिल की बात समझ पाना, ये बहुत ही मुश्किल है। और सोशल इशूज़ की तरफ भी आपका नज़रिया आप शेयर करना चाहेंगे? उड़ीसा में एक पर्टिकुलर ट्राइब है जिसको बोडा ट्राइब्स कहते हैं, वहाँ पे आदिवासी महिलाएं और बच्चे हैं, मतलब मोस्टली अनवेड मदर्स और चिल्ड्रेन हैं, उनके वेलफेयर के लिए मैंने एक पेंटिंग की सीरीज बनाई थी। आज आप अपने हस्बैंड के साथ ही आई? नमस्ते, क्या नाम है आपका सर? विवेक। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं ज्योति जी कि आप अपनी जिंदगी की पेंटिंग को उतनी ही बड़ी और खूबसूरत बनाएं और हमारे शो से खूब सारे पैसे जीत के जाएं। स्वागत है आपका। थैंक यू। अब मिलते हैं हमारी अगली ख्वाहिशों की खिलाड़ी से। मेरा नाम मित्तल सल्ला है, मैं मुंबई से हूँ। 2006 तक
मेरे हस्बैंड बिजनेस कर रहे थे, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी थी, बहुत सुनहरी थी। 2006 में मुंबई में जो बाढ़ आई थी, वो बाढ़, उनका बिजनेस, हमारी रोजी रोटी, सब कुछ अपने साथ लेके उन्हें बहुत नुकसान हुआ। हमारा घर भी हमारे हाथ से चला गया। उस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। वो एक टाइम था जब मेरा घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, तो मुझे मजबूरन नाइट शिफ्ट में अपने बच्चों को घर पर छोड़ के कॉल सेंटर की जॉब लेनी पड़ी। इन मुश्किलों के दौर में एक दौर ऐसा भी आया कि जब मेरी बेटी और बेटे को पढ़ाने की बात आई तो शायद उसके भी पैसे मेरे पास नहीं थे। बेटी को पढ़ाने के लिए मैंने लोन ली हुई है। मेरी छोटी सी आशा ये है कि इस गेम शो के ज़रिए जो भी रकम मैं जीतूं, वो जो बेटी के लिए लोन ली हुई है वो मैं चुका सकूं और उनके फ्यूचर एजुकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकूं, ताकि उन्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना आए शिक्षा के लिए। रुकना नहीं आता मुझे, मुझे बढ़ना आता है। ये जिंदगी एक इम्तिहान सही, मुझे लड़ना आता है। आ रही है मुंबई से मिसेज मित्तल साइला। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, 2006 में जो विडंबना आपके परिवार पर आई जी, उसने आपके पति के कारोबार को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट किया जी, और आप लोगों के भविष्य को मुसीबत में डाल दिया जी। कितनी मुश्किलें आई और कैसे आपने उन मुश्किलों का सामना किया? एक शब्द में कहूंगी कि उस मुश्किल में मेरा घर भी चला गया और मेरा हस्बैंड का बिजनेस भी चला गया। तो आप लोगों ने कैसे उसका सामना किया? मेरे हिसाब से जिंदगी अगर वहीं पर ख़त्म होनी होती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। लेकिन एक पॉजिटिविटी होती है लाइफ में, चाहे जितनी मुश्किल आए उसका सामना करना है, क्योंकि बेटी भी है मेरी, तो मेरे लिए नहीं लेकिन मेरे बच्चों के लिए मुझे उस जिंदगी का सामना करना है। आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं मित्तल जी। मित्तल जी, आपके साथ आपके पिताजी आए हैं यहाँ पे जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच पे। थैंक यू। जैसे मित्तल जी कह रही हैं कि बहुत ही मुश्किल दौर था वो, और अभी भी वो उन हालातों से लड़ रही हैं। हिम्मत तो दे रहा हूँ मैं कि तुम आगे बढ़, तेरे पीछे तो हम लोग है ही, अगर कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ी तो हम लोग बैठे तेरे लिए। जोरदार तालियां मित्तल जी के लिए। मित्तल जी, संगीता जी, प्रिया जी और ज्योति जी, यहाँ इन चारों को मिलेगा हर पल जीतने का मौका और यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। हमारे पहले राउंड का नाम है सरपट सवाल, जिसमें हम आप चारों से पांच पांच सवाल पूछेंगे। हर सवाल के सही जवाब देने के लिए आप 10,000 रुपए जीत सकती हैं। हर सवाल के जवाब के लिए आपको सिर्फ 10 सेकंड्स मिलेंगे। सवाल के बाद आपको चार ऑप्शंस भी दिए जाएंगे और ऑप्शंस खत्म होते ही आपके 10 सेकंड शुरू हो जाएंगे। और इस राउंड में कोई एलिमिनेशन नहीं है, यानी इस राउंड में आप जो भी कमाएंगी वो तो आप पक्का घर लेकर ही जाएंगे। तो शुरू करते हैं सरपट सवाल, और सबसे पहले हम शुरू करेंगे संगीता जी से। तैयार है आप? ऑल द बेस्ट। आपका पहला सवाल है, भगवान कुबेर इनमें से किसके देवता माने जाते हैं? आपके ऑप्शंस है ए वर्षा, बी धन, सी स्वास्थ्य या डी अग्नि। आपका समय शुरू होता है अब। बी धन। सही जवाब संगीता जी, 10,000 जीत लिए आपने। दूसरा सवाल, गले की खराश को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू इलाज सही है? आपके ऑप्शंस है ए नमक के पानी से कुल्ला करें, बी अनानास के रस से कुल्ला करें, सी चीनी और हल्दी से कुल्ला करें, या डी चीनी के सिरप से कुल्ला करें। आपका समय शुरू होता है अब। ए नमक के पानी से कुल्ला करें। बिल्कुल सही जवाब, 20,000 जीत लिए आपने। तीसरा सवाल, इनमें से किस खेल में गेंद यानी कि बॉल का इस्तेमाल नहीं होता है? आपके ऑप्शंस है ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी टेनिस या डी क्रिकेट। आपका समय शुरू होता है अब। बी बैडमिंटन। 30,000 जीत चुके हैं आप संगीता जी, मुबारक हो आपको। चौथा सवाल, इनमें से कौन सा शहर संतरों के उत्पादन के लिए मशहूर है? आपके ऑप्शंस है ए भोपाल, बी इंदौर, सी आगरा या डी नागपुर। आपका समय शुरू होता है अब। डी नागपुर। आयुषा? यस। सही जवाब,
40,000 जीत गई हैं आप। ये है आपका सवाल। बुखार कम करने के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस है ए, माथे पर तेल लगाएं, बी, गर्म पानी की पट्टी रखें, सी, ठंडे पानी की पट्टी रखें, या डी, प्याज का रस लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। सी, ठंडे पानी की पट्टी रखें। पक्का? पक्का। श्योर? गलत हुआ तो? मेरे हिसाब से तो सही है। हमारे भी हिसाब से सही है। मुबारक हो आपको, 50,000 जीत चुकी है आप। तो सरपट सवाल में अब भारी है प्रिया जी की। प्रिया जी रेडी हैं आप? रेडी। चलिए तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। हिंदू पुराणों के अनुसार कौन से भगवान को गजानन भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, शिवा, बी, गणेश, सी, विष्णु, या डी, राम। आपका समय शुरू होता है अब। बी, गणेश। बिल्कुल सही जवाब प्रिया जी। 10,000 रुपए जीत गई हैं आप। तो चलिए ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा कान का दर्द कम करने में मदद करता है? आपके ऑप्शन है ए, कान में ठंडा पानी डालें, बी, कान में घी डालें, सी, कान में गुनगुना गरम तेल डालें, या डी, कान में रुई डालें। आपका समय शुरू होता है अब। कान में गुनगुना गरम तेल डालें। 20,000 रुपए जीत गए हैं प्रिया जी। बिल्कुल सही जवाब। प्रिया जी ये रहा आपका तीसरा प्रश्न। बोल्ड, थर्ड एम्पायर, लेग बिफोर विकेट, ये शब्द किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए, बास्केटबॉल, बी, फुटबॉल, सी, क्रिकेट, या डी, हॉकी। आपका समय शुरू होता है अब। सी, क्रिकेट। सही जवाब प्रिया जी। 30,000 रुपए जीत गई हैं आप। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। ताजमहल को बनवाने में ज्यादातर किस पत्थर का इस्तेमाल हुआ था? आपके ऑप्शन है ए, कड़प्पा, बी, संगमरमर, सी, ईंट, या डी, लाल पत्थर। आपका समय शुरू होता है अब। बी, संगमरमर। सही जवाब है प्रिया जी। 40,000 जीत गए हैं आप। पांचवा और आखिरी प्रश्न। शीशे को चमकाने के लिए इनमें से सबसे सही घरेलू नुस्खा क्या है? आपके ऑप्शन है ए, फिनाइल से साफ करें, बी, सूती कपड़े से साफ करें, सी, नारियल के तेल से साफ करें, या डी, पानी छिड़क कर कागज से पोंछे। आपका समय शुरू होता है अब। डी, पानी छिड़क कर कागज से पोंछे। प्रिया जी क्या किया? सही है, मेरे हस्बैंड हमेशा करते करते। बिल्कुल सही जवाब। प्रिया आप जीत चुकी हैं पूरे 50,000 रुपए। अब बढ़ते हैं हमारी अगली ख्वाहिशों के खिलाड़ी की ओर, ज्योति जी। सरपट सवाल के लिए तैयार हैं आप? जी। ऑल द बेस्ट। महाभारत के अनुसार अभिमन्यु किसके पुत्र थे? आपके ऑप्शंस हैं ए, भीम, बी, अर्जुन, सी, युधिष्ठिर, या डी, दुर्योधन। आपका समय शुरू होता है अब। बी, अर्जुन। सही जवाब। 10,000 जीत लिए आपने। दूसरा सवाल। इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा फूल गोभी में से कीड़े निकालने के लिए सबसे सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए, काट कर ठंडे पानी में डालें, बी, काट कर उबले हुए पानी में डालें, सी, एयर टाइट कंटेनर में रखें, या डी, काट कर कागज में लपेटें। आपका समय शुरू होता है अब। बी, काट कर उबले हुए पानी में डालें। आप करती हैं ये? जी। इसकी वजह से आपने 10,000 जीत लिए। मुबारक हो आपको। तीसरा सवाल। इनमें से किस खेल के विश्व कप प्रतियोगिता में भारत की टीम सहभागी नहीं हुई है? आपके ऑप्शंस है ए, क्रिकेट, बी, फुटबॉल, सी, हॉकी, या डी, कबड्डी। आपका समय शुरू होता है अब। बी, फुटबॉल। सही जवाब। 30,000 रुपए जीत गई हैं आप। चौथा सवाल। सांभर ये व्यंजन दक्षिण भारत के किस राज्य से है? आपके ऑप्शंस है ए, तमिलनाडु, बी, आंध्र प्रदेश, सी, केरला, या डी, कर्नाटका। आपका समय शुरू होता है अब। ए, तमिलनाडु। क्या बात है, सही जवाब ज्योति जी, सुपर। 40,000 जीत गए हैं आप। पांचवा और आखिरी सवाल सरपट सवाल में। ताले में से जंग हटाने के लिए इनमें से सबसे सही घरेलू नुस्खा क्या है? आपके ऑप्शंस है ए, ताले में ग्लिसरीन डालें, बी, ताले में केरोसिन डालें, सी, ताले में नारियल तेल डालें, या डी, ताले में फिनाइल डालें। आपका समय शुरू होता है अब। सी, ताले में नारियल तेल डालें। सही जवाब। 50,000 जीत गए हैं आप ज्योति जी। मुबारक हो आपको। मित्तल जी आप गुजराती हैं? जी। तो चलिए गुजराती में बोलते ना कि आप भांगी नाखो, तोड़ी नाखो, भूखो करी नाखो। जरूर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। रण उत्सव किस जगह मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अजमेर, बी कच्छ, सी रणथंभौर या डी बरेली। आपका समय शुरू होता है अब। बी कच्छ। सही जवाब। 10,000 रुपए जीत लिए। मित्तल जी, ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। तांडव नृत्य इनमें से किस हिंदू देवता से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए विष्णु, बी शिवा, सी गणेशा या डी ब्रह्मा। आपका समय शुरू होता है अब। बी शिवा। मित्तल जी, 20,000 रुपए जीत लिए आपने। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा प्रश्न। सूखे होठों के इलाज के लिए इनमें से कौन सा घरेलू नुस्खा सही है? आपके ऑप्शंस हैं ए नारियल तेल लगाएं, बी नींबू रस लगाएं, सी शहद लगाएं या डी नमक लगाएं। आपका समय शुरू होता है अब। ए नारियल तेल लगाएं। सही है। मित्तल जी, 30,000 रुपए जीत लिए आपने। ये रहा आपका चौथा प्रश्न। इनमें से कौन शतरंज के एक मशहूर खिलाड़ी हैं? आपके ऑप्शन हैं ए अभिनव बिंद्रा, बी धनराज पिल्लई, सी अजिंक्य रहाणे या डी विश्वनाथन आनंद। आपका समय शुरू होता है अब। डी विश्वनाथन आनंद। सही जवाब। 40,000 रुपए। पांचवा और आखिरी प्रश्न, ध्यान से। जलियांवाला बाग किस शहर में है? आपके ऑप्शन हैं ए कानपुर, बी अमृतसर, सी कोलकाता या डी अहमदाबाद। आपका समय शुरू होता है अब। बी अमृतसर। मित्तल जी, हमारे शो की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि चारों औरतें 50,000 ले गई। 50,000 ले गई। जोरदार तालियां। मित्तल जी, बिल्कुल सही जवाब। पहले राउंड से आप सबके अकाउंट में आशाओं की पहली किश्त जमा हो चुकी है। हमारे इस दूसरे राउंड का नाम है 51 का शब्द। इस राउंड में खेले जाएंगे 51-51 सेकंड्स के 3 खेल और हर गेम जीतने पर मिलेंगे 40,000 रुपए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये एलिमिनेशन राउंड ही है। पिछले और इस राउंड की टोटल जमा राशि को जोड़कर 3 सबसे ज्यादा राशि वाली खिलाड़ी ही आगे राउंड में जा पाएंगे। तो अपनी पूरी एनर्जी को जुटा लीजिए और आने वाले पल को अपना बना लीजिए। शुरू करते हैं हमारा पहला खेल। हमारे पहले खेल का नाम है बोतल भरो पैसे जोड़ो। आप सबके सामने रखे बोल्स में सरसों के बीज और रंग बिरंगी मोती रखे हुए हैं और पास में कई सारी छोटी छोटी बॉटल्स भी रखी हुई हैं। आपको बोल्स में से सरसों के बीज ढूंढकर उन्हें बॉटल्स में भरना है, फिर बॉटल को बंद करके साइड में रख देना है। जो 51 सेकंड्स में सबसे ज्यादा बॉटल्स भरेंगी वो 40,000 रुपए जीत जाएंगी। तो तैयार है आप 40,000 की सरसों भरने के लिए? यस। आपका समय शुरू होता है। ऑल द बेस्ट। अब ध्यान से, एक एक बॉटल 40,000 की है। फटाफट फटाफट फटाफट। प्रिया जी वेरी गुड, मित्तल जी सु अच्छे, सिर्फ राई के दाने। 5, 4, 3, 2, 1, 1, बस। एक दो, दो बॉटल, 3। संगीता जी आपका स्कोर है 3। 4 बॉटल। हमारी पहली गेम की विजेता है मित्तल जी। संगीता जी, पैसे की क्या अहमियत? बहुत अहमियत है इस पैसे से। सबसे पहले तो मेरी बेटी का लोन जो है, जो मैंने उसके लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है मेरे ट्रस्ट में से, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और थोड़ा और जीत लो तो मेरे बेटे का एडमिशन भी हो जाएगा अच्छी स्कूल। वही हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप और जीते ताकि आपके बच्चे का एडमिशन भी अच्छी स्कूल में हो जाए। जोरदार तालियां। हमारा अगला खेल है पत्ता पत्ता धनिया धनिया। आपके सामने रखे हुए बोल्स में धनिया भरा हुआ है लेकिन उस धनिया में करी पत्ते भी है। आपको सिर्फ करी पत्ते को ढूंढकर उसे धनिया से अलग करना है। जो 51 सेकंड में सबसे ज्यादा करी पत्ते ढूंढेंगी वो विजेता बनेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको करी पत्ते एक हाथ से ढूंढने हैं,
आप दूसरे हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो तैयार है आप 40,000 के कड़ी पत्ते ढूंढने के लिए? तो आपका समय शुरू होता है अब। आज हो जाए धनिया का धनिया और कड़ी पत्ता का कड़ी पत्ता। क्या बात है संगीता जी, बहुत अच्छे। आज जिसने किचन में ज्यादा काम किया है वो यहाँ रंग लाएगा। वेरी गुड प्रिया जी, वेरी गुड। बहुत है पत्ते अंदर। जल्दी जल्दी जल्दी। 5, 4, 3, 2, 1, 1, बस। प्रिया जी गिने जल्दी 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 जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हमारे दूसरे गेम की विजेता है प्रिया जी। पिछले राउंड में 50, इसमें 40, उफ कमाल हो गए। तो 90,000 कमा लिए आपने अब तक। पैसे की अहमियत आप बहुत अच्छे से समझती हैं और मुझे एक बात पता है कि ये जो पैसे आपने जीते हैं इसे आप माँ की दुकान के लिए यूज करने वाली हैं। शादी से पहले जब आप जॉब करती थी और आपकी पहली कमाई हुई थी, आपने उस पहली कमाई से क्या किया था? मीन्स पहला बोनस हुआ था। हम लोग के घर में तब तक फ्रिज नहीं था। अच्छा। तो तभी मैंने इतना सा फ्रिज लिया था क्योंकि मम्मी को बहुत तकलीफ होती थी। और साड़ी लिया था, बहुत सारा मम्मी के लिए लिया था मैंने। देखिए साड़ी तो बहुत बच्चे खरीदते हैं मम्मी के लिए, फ्रिज क्यों लिया आप? फ्रिज मम्मी को तकलीफ होती थी, काम पे जाना पड़ता था, फिर रात का आटा कहाँ रखेंगे, सब्जी लाना नहीं पड़ता था, हफ्ते भर की सब्जी भर्ती हो गया। आंटी आपकी बेटी आपकी छोटी सी छोटी जरूरत का कितना ख्याल रखती है? मेरी बेटी ख्याल रखती है। कैसा लगा जब आपको वो फ्रिज इन्होंने गिफ्ट किया? बहुत अच्छा लगा था। उसने कभी मेरे पास कुछ मांगा नहीं। जैसे उसके डैडी एक्सपायर हो गए ना, तब छोटी सी थे, उसने कभी एक गुड़िया भी नहीं मांगी मेरे से, ना कभी कपड़ा मांगा, जो है वही लेती थी, कभी कुछ नहीं मांगा, किसी का देखे नहीं मांगा आज तक वो कभी नहीं। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसी बेटियां भी हैं। लोग कहते हैं बेटा चाहिए, भाई क्यों? अगर प्रिया जैसी बेटियां हो तो हर माँ बाप का सर गर्व से उठ जाए। जोरदार तालियां प्रिया। देखिए अब तक आप इतनी स्ट्रांग थी, जैसे ही मम्मी ने कुछ कहा आपकी आंखें भर आई। ऐसे पुराना याद आ गया ना, इसलिए। अब इस पैसे से आप और क्या करेंगे? मम्मी का शॉप का रिनोवेशन कर देंगे क्योंकि वहाँ काउंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा फैला रहता है, तो पूरा रिनोवेशन कर सकते हैं अभी। जोरदार तालियां प्रिया के लिए दोस्तों, मुबारकबाद। इस गेम के बाद मित्तल जी और प्रिया जी का स्कोर संगीता जी और ज्योति जी से आगे निकल चुका है और अब बचा है एक आखिरी गेम और ये गेम डिसाइड कर सकता है कि हमारे साथ कौन अगले राउंड में जाएंगी। शुरू करें हमारा अगला गेम। हमारा अगला गेम बहुत ही आसान है। आपके सामने रखे बोल्स में कई सारे सिक्के हैं, छोटे बड़े सस्ते महंगे हर किस्म के सिक्के। आपको इन सारे सिक्कों में से बस 50 पैसे के सिक्के ढूंढने हैं और पास में रखी प्लेट में डालने हैं। जिसने 51 सेकंड में सबसे ज्यादा सिक्के ढूंढ लिए वो जीत जाएंगी 40,000 रुपए। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस खेल में आप सिर्फ अपना एक ही हाथ यूज कर सकती हैं। दूसरे हाथ का इस्तेमाल करना मना है। और एक बात, आप बोल्स को उल्टा करके सिक्कों को टेबल पर फैला नहीं सकती। आपको बोल के अंदर ही 50 पैसे का कॉइन ढूंढना होगा। तो तैयार हो जाइए, ये 40,000 के सिक्कों के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए चलिए जल्दी जल्दी। 50 पैसे के सिक्के आपको 40,000 जिता सकते हैं। अरे मित्तल जी क्या हुआ? एक दो तीन सिक्के। एक दो तीन
चार पांच, जोरदार तालियां। यानी कि विनर है अंगिता जी, दो कर दो। आपने जीते हैं 40,000 रुपए। देखिए पहले राउंड में 50,000, अभी 40,000, 90,000 रुपए जीते आपने। मतलब नेहा की शादी के लिए आप कैसे इसे यूज करेंगी ये आप डिसाइड करेंगी या अपनी बेटी से पूछेंगी? हमें पता है वो सब कुछ मुझसे ही पूछ के करती है, जब मैं डिसाइड करूंगी वही हूं। 40,000 जीत गए हैं आप, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। रागिनी जी आप पलटी क्यों? तो अब पिछले और इस राउंड को मिलाकर टोटल किसके अकाउंट में कितनी रकम जमा हुई है ये बताएंगे हमारे धनी राम जी। ज्योति जी ने कमाए हैं 50,000 रुपए, मित्तल जी ने कमाए हैं 90,000 रुपए, प्रिया जी ने कमाए हैं 90,000 रुपए और संगीता जी ने कमाए हैं 90,000 रुपए। ज्योति जी जो अपने ख्वाब को नहीं छोड़ते ना वो हमेशा जीतते हैं। जैसे आपने कहा कि आपने पेंटिंग सीखी नहीं है, आप में नेचुरल वो बॉर्न टैलेंट है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनमें ये टैलेंट होता है पर कहीं ना कहीं पैसों की कमी की वजह से वो लोग अपना जो ये टैलेंट है उसे पूरा नहीं कर सकते या फिर दिखा नहीं सकते। तो ऐसी कौन सी और प्रॉब्लम्स होती है पैसों की वजह से जो मतलब पेंटिंग में आती है? पेंटिंग में ऑब्वियसली जो सबसे महंगा होता है, सबसे पहले तो उसके मटेरियल्स बहुत महंगे होते हैं और पेंटिंग बनाने के बाद जब उसको आप एग्जिबिट करने के लिए जाओगे तो जहाँ आप जाओगे आर्ट गैलरीज में वो भी बहुत महंगे होते हैं क्योंकि दे ऑल्सो चार्ज अ फ्यू परसेंटेज, कमीशन चार्ज करते हैं, वो भी बहुत महंगे होते हैं। तो इसलिए मतलब पेंटिंग बनने के बाद शायद जब आप फेमस हो जाओगे तो आपकी पेंटिंग बिकेगी तो तब आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको इतना उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपने ये भी कहा था कि कभी कभी एक कैनवस के ऊपर, हाँ मतलब अगर जो नए आर्टिस्ट होते हैं, यंग आर्टिस्ट होते हैं, उनके पास अगर पैसे नहीं होते हैं तो वो एक ही कैनवस को दूसरी पेंटिंग उसके ऊपर कर करके फिर उसको रीयूज़ करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, फिर पेंटिंग नहीं बिकी तो फिर उसके ऊपर दूसरी पेंटिंग बनाई फिर उसी को बेचा, तो ऐसे भी करते हैं क्योंकि उनके पास कोई कलेक्शन नहीं रह जाता है पर उन्हें पैसे तो कमाने ही हैं, फिर वो दूसरे कैनवस का पैसा कैसे निकालेंगे, तो उसी कैनवस के ऊपर पेंट कर करके जो है अमीन भाई सेल करते हैं। अब दूसरे जो पेंटर्स हैं जिनमें टैलेंट है बट बिकॉज पैसों की कमी की वजह से नहीं, अब कैसे ये यूज़ करेंगे ये जो रकम है? इसको मैं ग्रुप शो ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ, उसमें कुछ 3-4 आर्टिस्ट को इकट्ठा करके मैं ग्रुप शो ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। जोरदार तालियां ज्योति जी के लिए। ज्योति जी आपने जीते हैं 50,000 रुपए, ये भी एक छोटी रकम नहीं है, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। और अब वक्त है आपको आपकी जीती हुई राशि से सम्मानित करने। थैंक यू। और अब हमारी ख्वाहिशों की खिलाड़ियों को खेलना होगा फिल्मी खेल। हमारे तीसरे राउंड का नाम है फिल्मी बायस्कोप। इस राउंड में सिर्फ और सिर्फ फिल्म से रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे। इस राउंड में आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे लेकिन बजर दिया जाएगा, जो पहले बजर दबाएगा वो पहले जवाब देने का मौका पाएगा। लेकिन अगर बजर दबाकर गलत जवाब दिया तो क्वेश्चन दूसरे नंबर पर बजर दबाने वाली खिलाड़ी के पास चला जाएगा। तो तैयार है आप सब फिल्मी बायोस्कोप के लिए? यस। तो फिल्मी बायोस्कोप में आपका पहला सवाल है, तारे जमीन पर फिल्म में आमिर खान पहली बार बच्चों से मिलने किस भेस में जाते हैं? मित्तल जी। जोकर। सही जवाब। अब दूसरा प्रश्न, फिल्म दिल में आमिर खान के पिता यानी अनुपम खेर का किस चीज का धंधा था? संगीता जी। कबाड़ी। बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फिल्म वांटेड में सलमान खान सबसे आखिर में किसे मारते हैं? क्या बात है, बोलिए। महेश मांजरेकर। वांटेड देखी है आपने? फेवरेट है सलमान खान। चलो फिर फेवरेट है तो डायलॉग तो बोलना ही पड़ेगा। एक बार जो कमिटमेंट कर दी तो खुद की भी नहीं सुनते। सही जवाब। 30,000 जीत लिए आपने। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न, धक धक करने लगा गाने में माधुरी दीक्षित जी ने कौन से रंग के कपड़े पहने थे? बताइए आपका जवाब। ऑरेंज। ये जवाब सही जवाब है। अगला सवाल, फिल्म बागबान में श्री अमिताभ बच्चन जी हेमा मालिनी जी को मिस करते हुए कौन सी पब्लिक प्लेस से गाना गाते? प्रिया जी।
पब्लिक टेलीफोन बूथ। सही जवाब। मित्तल जी और संगीता जी, ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत अहम है। ये डिसाइडिंग सवाल है कि कौन अगले राउंड में जाएगा। यस। प्रिया जी, चलिए, ये रहा आपका अगला प्रश्न। हम है राही प्यार के फिल्म में आमिर खान और उसका परिवार अपने घर की नीलामी से लोगों को क्या मार के भगाते हैं? प्रिया जी, अंडे और टमाटर। क्या बात है। मित्तल जी और संगीता जी, क्योंकि आप दोनों के स्कोर्स एकदम बराबर हैं, हम एक टाई ब्रेकर क्वेश्चन पूछेंगे। आप दोनों में से जिसने भी सही जवाब दिया वो जाएंगी हमारे अगले राउंड में। चलिए, फिल्म अंदाज अपना अपना में किसका डबल रोल है? संगीता जी, अनुपम खेर जी थे। ये गलत जवाब है। टाई ब्रेकर का क्वेश्चन पास होता है मित्तल जी आपको। बताइए। परेश रावल। सही जवाब। मित्तल जी, आपने दिया सही जवाब और आप जाएंगी हमारे अगले यानी कि जैकपॉट राउंड में। बहुत 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 मुबारक हो। तो अब तक के तीनों राउंड्स को मिलाकर किसने कितना कमाया है ये हमें बताएंगे धनीराम जी। धनीराम जी के स्कोर्स के हिसाब से संगीता जी ने जीते हैं 1,20,000 रुपए, प्रिया जी ने जीते हैं 2,10,000 रुपए और मित्तल जी ने जीते हैं 1,50,000 रुपए। संगीता जी, आप प्लीज मंच पे आ जाइए। संगीता जी, जो आप जैसी सोच रखते हैं वो हमेशा जीतते हैं। आपने आज तक जो कुछ किया है सब अपने दम पर किया है। आप पहले जॉब करती थी तो कैसा महसूस होता था तब और कैसा महसूस हो रहा है आज? समय तो खैर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि हाउसवाइफ भी है तो दोनों साथ साथ बैलेंस करना पड़ता था, घर में भी बाहर में भी। लेकिन आज एंजॉय करके पैसे कमाए। 5 लाख तक नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी मैं बहुत खुश हूँ। नेहा, संगीता जी 1,20,000 रुपए जीत के जा रही हैं। आपकी शादी के लिए उन्होंने ये किया जी। आज यहाँ पर वो जो भी कर रही हैं वो आपके लिए कर रही हैं। हाँ। आज की तारीख में अपने भी अपनों के लिए इतना नहीं कर पाते और इन्होंने आपको दिल से अपना माना है, आपको अपनाया है और अपनी बेटी की तरह आपको प्यार करती है। आपको कोई ऐसा पल याद है कि आपके सगी मासी ने आपके लिए ना किया हो और इन्होंने आपके लिए किया है? हाँ, ऐसा है। जब मेरी मम्मी का ऑपरेशन होने वाला था उस समय मतलब हम लोग के घर में ऐसा कोई नहीं था जो हम लोग का सपोर्ट करता, लेकिन उस समय ही संगीता आंटी जो थी उन्होंने ही हम लोग का काफ़ी सपोर्ट किया, बेस्ट डॉक्टर को दिखाया और मम्मी का ऑपरेशन उन्होंने ही करवाया और यहाँ तक कि उनके हस्बैंड ने खुद ब्लड डोनेट भी किया मेरी मम्मी को। वाओ, काश आपकी तरह और लोग हमारी दुनिया में हो तो बहुत सारी मुश्किलों का हल निकल आएगा। आपको बहुत 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 मुबारक हो 1,20,000 रुपए जीतने के लिए। अब वक्त है आपको आपकी जीती हुई राशि से सम्मानित करने। ज्ञान की कसौटी। ज्ञान की कसौटी में आपसे हम 5 सवाल पूछेंगे। हर सवाल के लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और ध्यान रहे ये एक बजर राउंड है। लेकिन ध्यान रहे, बजर सोच समझ कर दबाइएगा क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी में बजर दबा दिया और गलत जवाब दे दिया तो सवाल दूसरी खिलाड़ी के पास चला जाएगा और उन्हें सिर्फ 3 ऑप्शंस में से चूज करना होगा और उन्हें इस बात का एडवांटेज मिलेगा। तैयार है आप दोनों? हाँ। चलिए तो शुरू करते हैं ज्ञान की कसौटी। आपका पहला सवाल है, इनमें से कौन सी नदी सूरत शहर में बहती है? आपके ऑप्शंस हैं ए हुगली, बी गोदावरी, सी तापी या डी अद्यर। प्रिया, सी तापी। सही जवाब प्रिया। ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने एकलव्य से क्या मांगा था? प्रिया जी, आपने ऑप्शन भी नहीं सुने। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। राइट हैंड थंब। ये जवाब सही है। ये जो तीसरा सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगी ये बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि अगर प्रिया आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप ये राउंड जीत जाएंगे और मित्तल जी जैकपॉट राउंड में बने रहने के लिए ये एक बहुत अहम सवाल है आपके लिए। पूरी कोशिश करें कि आप इसका सही जवाब दें जी।
ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ज्ञान की कसौटी में आपका तीसरा सवाल है, पंडित रविशंकर इनमें से कौन सा साज यानी इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए सरोद, बी सितार, सी तबला, डी बांसुरी। ए सरोद। मित्तल जी कि ये गलत जवाब है। प्रिया आपको एडवांटेज मिलता है बाकी तीन ऑप्शंस में से चूज करने के लिए, बताइए। बी सितार। अफसोस प्रिया ये जवाब। जीते हैं पूरे 7,10,000 रुपए। मित्तल जी प्लीज मंच पे आइए। मित्तल जी आपने आज हमारे मंच से जीते हैं 1,20,000 रुपए। थैंक यू। क्या करेंगे आप इस पैसे से? जैसे मैंने कहा, सबसे पहले जो मैंने लोन ली हुई है मेरी बेटी की, वो लोन रीपे हो जाएगी। दूसरा, मेरे बेटे का अच्छी स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और उसमें से जो थोड़े बहुत हुआ जो अमाउंट बचता है वो मैं उन लोग के फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखूंगी, ताकि ये लड़ाई थोड़ी आसान हो जाए और आगे ये इतनी दिक्कत वाली नहीं लगे। इस लोन के कारण आपको क्या क्या परेशानियां सहनी पड़ती? ऐसा तैर हुआ है कि मुझसे, मतलब जब मैंने लोन ली थी तो मुझे ट्रस्ट में से ये कहा गया था कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा रीपे कीजिए। अब मेरे और मेरे हस्बैंड की जो इनकम है वो हैंड टू माउथ, उसमें हम लोग नहीं कर पाते। फिर ये तय हुआ, मैंने बोला मैं हर महीने आपको थोड़ा अमाउंट नहीं दे सकती, तो उन्होंने बोला आप हर 3 महीने में एक बड़ा सा अमाउंट दे दीजिए। अब वो अमाउंट इतना बड़ा है कि हर 3 महीने में मेरी एक सैलरी चली जाती है उसमें। तो उस महीने जो मुझे दिक्कत आती है, जो खाने का मैं बोलती हूँ, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, वो है मेरे साथ। पर मैं भी सेल्फ रिस्पेक्ट से जीना चाहती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि वो है करेंगे, लेकिन मैं और ज़्यादा उनसे नहीं लेना चाहती हूँ ऑब्लिगेशंस। मित्तल जी आपकी खुददारी को हम सलाम करते हैं, आपकी जो ये बात है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, इसे हम सलाम करते हैं। ज़ोरदार तालियां मित्तल जी के लिए। मित्तल जी अब बारी है आपकी जीती हुई रकम से आपको सम्मानित करने की। और अब बारी है बुलाने की हमारे विजेता को। जोरदार तालियां प्रिया जी के लिए। प्रिया ये जो रकम आपने जीती है क्या करेंगी आप इसका? मम्मी के शॉप में सामान भरूंगी, बहुत सारा रिनोवेशन करूंगी, और आज तक हमने लाइफ रेंट रूम में निकाली है, तो मम्मी के लिए एक छोटा सा घर बुक करूंगी खुद का, जो आज तक हम लोग नहीं रहने गए कभी, तो आज बुक करूंगी घर। आंटी जी आप मंच पे आ जाइए। जोरदार तालियां। आंटी जी कितना गर्व महसूस हो रहा है आपको आज? प्रिया नहीं, आज गर्व महसूस हो, क्योंकि इतना दिन मैं उसके पापा के गर्व से जीती थी, क्योंकि उसके पापा बॉर्डर में एक्सपायर हुए, उस वो लेके मैं आज तक चली है, आज इसके इसने गर्व हो दी। क्या बात, आपका सर ऊंचा कर। प्रिया जी आपके पति से भी पूछते हैं, आप पहले स्टेज पे आ जाइए। जोरदार तालियां। Congratulations आपको भी। कैसा महसूस हो रहा है? Very much proud feel, और गर्व से कह सकता हूँ कि ये मेरी वाइफ है। क्या बात है! How sweet. How sweet.